लास्ट लेसन में हमने क्रॉनिकल डेल्टा सिंबल के बारे में पढ़ा था। इस लेसन में आप परमुटेशन सिंबल के बारे में पढ़ेंगे कि परमुटेशन सिंबल क्या होता है। तो परमुटेशन सिंबल, इसको आप लेविसिटा सिंबल भी कहते हैं, ऑल्टरनेटिंग टेंसर भी कहते हैं, ठीक है। इन थ्री डायमेंशंस द परमुटेशन सिंबल इज अ थ्री इंडेक्स ऑब्जेक्ट ऑल्सो कॉल्ड द लेविसिटा सिंबल और ऑल्टरनेटिंग टेंसर। और उसको आप डिफाइन कैसे करते हैं, एप्सिलॉन आई जे के, इसकी वैल्यू जीरो होती है फॉर आई इज इक्वल टू जे, जे इज इक्वल टू के और के इज इक्वल टू आई। मीन्स के ये जो इसके थ्री इंडेसेस हैं आई जे के, इनमें से कोई से भी दो जब इक्वल होंगे तो एप्सिलॉन आई जे के की वैल्यू जीरो आएगी। और अदरवाइज फिर बाकी एक्सप्रेशन देखते हैं, अगर एप्सिलॉन आई जे के में जो आई जे के हैं इंडेसेस, वो इंडेसेस इन इस सेट में से कोई वैल्यूज लेंगे तो उसकी वैल्यू एप्सिलॉन आई जे के की वन आएगी। और इसी तरह आई जे के अगर इस सेट में से वैल्यू ले रहे हैं तो उसकी वैल्यू एप्सिलॉन आई जे के की माइनस वन आएगी। हाउ कैन यू आइडेंटिफाई दिस सेट, क्या आपके पास किस सेट के लिए एप्सिलॉन आई जे के की वैल्यू वन आ रही है और किसके लिए माइनस वन आ रही है। जस्ट सी दिस कि अगर आपके पास जो इंडेसेस हैं, रीड दिस, फॉर द इंडेसेस आई जे के इन एप्सिलॉन आई जे के द वैल्यूज 1, 2, 3 occurring in the cyclic order correspond to epsilon is equal to plus 1, ठीक है। ये first वाला देखें, first वाला जो ये cycle बना हुआ है, इसमें ये 1, 2, 3 को हम anti-clockwise इनका order ले रहे हैं, ठीक है। 1 से start करें तो 1, 2, 3 पहला order triplet बनेगा, अगर मैं 1 को छोड़ दूं तो 2, 3, 1 second बनेगा, और अगर 2 को भी छोड़ दूं तो 3, 1, 2 थर्ड ऑर्डर ट्रिपलेट बनेगा, ठीक है। जब आप एंटी क्लॉकवाइज इस तरह से रोटेट करें और वन बाई वन एक को छोड़ के ऑर्डर ट्रिपलेट बनाते हैं तो आपके पास ये तीन ऑर्डर ट्रिपलेट बनेंगे जिनके लिए आई जे के की वैल्यू अगर इस सेट से बिलोंग करेगी तो आपके पास एप्सिलॉन आई जे के वन आएगा। उसी तरह आप अगर इसी ये जिस तरह आपने एंटी क्लॉकवाइज देखा, अगर आप क्लॉकवाइज रोटेशन देखते हैं तो वन, अगर आप वन से स्टार्ट करते हैं तो 1, 3, 2 फर्स्ट ये वाला, इसी तरह यहाँ से देखिए 1, 3, 2 और इसी तरह 3, 2, 1 एंड 2, 1, 3, ये तीन आपके पास वैल्यूज आएंगी आई जे के ऑर्डर ट्रिपलेट की जिनके लिए आपके पास एप्सिलॉन आई जे के माइनस वन आएगा। अब एप्सिलॉन आई जे के आप थ्री डायमेंशन में इसकी बात कर रहे हैं, आई भी 1, 2, 3, आई की वैल्यूज भी 1, 2, 3 है, जे की वैल्यूज भी 1, 2, 3 वेरिएशन जो पॉसिबल वेरिएशन है और के भी की भी 1, 2, 3 है। तो पॉसिबल कंपोनेंट्स एप्सिलॉन आई जे के जो परमुटेशन सिंबल है इसके 27 है। उन 27 कंपोनेंट्स में से आपके पास सिर्फ 6 नॉन जीरो हैं, जिन 6 ऑर्डर ट्रिपलेट के कोरिस्पॉन्डिंग, ये 3 के कोरिस्पॉन्डिंग प्लस 1 वैल्यू है और 3 के कोरिस्पॉन्डिंग माइनस 1 वैल्यू है। अदरवाइज बाकी सब में आई जे के और इनमें से कोई से भी दो इंडेसेस सेम हो जाते हैं तो वो सारी वैल्यू जीरो को कोरिस्पॉन्ड करती हैं, ठीक है। एप्सिलॉन आई जे के को आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं, दैट दिस इज इक्वल टू 1/2 आई माइनस जे, जे माइनस के एंड के माइनस। अगर आप यहाँ वेरिएशन दें, अगर आप इसमें आई जे के को वेरिएशन दें, इफ अगर इस ये फर्स्ट वाला ऑर्डर ट्रिपलेट ले लें आई 1, जे 2 एंड के 3 तो आपके पास 1 वैल्यू आएगी, यू कैन चेक इट। इसी तरह इसमें ऑर्डर इस सेट में से भी कोई ऑर्डर ट्रिपलेट आप लेके यहाँ रिप्लेस करें तो आपके पास वैल्यू माइनस 1 आएगी, आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये दो वेज हैं एप्सिलॉन आई जे के को डिफाइन करने के लिए, और इस तरह से आप याद रख सकते हैं साइक्लिक एंड एंटी साइक्लिक ऑर्डर क्या है, ये एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज ऑर्डर है। ये इस तरह से आप इस चीज को याद रख सकते हैं कि एप्सिलॉन आई जे के की वैल्यूज किन ऑर्डर ट्रिपलेट्स के लिए वन है एंड किन के लिए माइनस। जस्ट लाइक क्रॉनिकल डेल्टा सिंबल, ये भी आपके पास आगे यूज होगा। तो इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स हैं, आपके पास द परमुटेशन सिंबल सेटिस्फाइज दीज आइडेंटिटीज, जिनको हम वन बाय वन प्रूव करेंगे। द फर्स्ट आइडेंटिटी इज डेल्टा आई जे एप्सिलॉन आई जे के इज इक्वल टू जीरो। हमने प्रूव करना है कि ये जो प्रोडक्ट है डेल्टा आई जे और एप्सिलॉन आई जे के का इन इंडिसेस के साथ, ये जीरो के इक्वल है। अब जस्ट इस एक्सप्रेशन को कंसीडर करें, लेफ्ट हैंड साइड को डेल्टा आई जे एप्सिलॉन आई जे के, तो इसमें आपके पास आई और जे जो हैं वो डमी इंडिसेस हैं और के आपके पास फ्री इंडेक्स है, ठीक है। और अगर आप देखें बाय द डेफिनेशन ऑफ एप्सिलॉन आई जे के, आप को याद है अभी जो हम लास्ट स्लाइड पे पढ़ी कि अगर एप्सिलॉन आई जे के में कोई से भी दो इंडेसेस सेम होंगे आई जे के में से तो वो जीरो आएगा, ठीक है। और आपने आपको क्रॉनिकल डेल्टा की डेफिनेशन भी याद है कि क्रॉनिकल डेल्टा नॉन जीरो होता है, वन होता है फॉर आई इक्वल टू जे। तो ये तो आपको नॉन जीरो वैल्यू देगा व्हेन आई इज इक्वल टू जे, अदरवाइज ये जीरो होगा। और जब ये दोनों इंडेसेस इक्वल होंगे तो यहाँ पर एप्सिलॉन की डेफिनेशन में ये दोनों इंडेसेस इक्वल आ जाएंगे तो यहाँ पर जीरो हो जाएगा। तो जब ये डेल्टा नॉन जीरो है तो आपके पास एप्सिलॉन जीरो है,
और जब एप्सिलॉन नॉन जीरो है तो आपके पास डेल्टा जीरो आ जाएगा, ठीक है। इसलिए इन दोनों टर्म्स का जो प्रोडक्ट है वो आपके पास जीरो आ जाएगा। और ऑल्टरनेटिवली आप इसको इस तरह से देख भी सकते हैं, जस्टिफाई कर सकते हैं, ऑल्टरनेटिवली आप इसको वेरिएशन दे सकते हैं। आप एन आपके पास लेट के लिए थ्री है, देन आपके पास आई की वेरिएशन भी 1 2 3 है, जे की भी 1 2 3 है और के की भी 1 2 3 है, ठीक है। तो अब वन बाई वन आपके पास दो डमी इंडिसेस हैं आई और जे, आप इनको वेरिएशन दें तो आपके पास ये आएगा। ये वेरिएशन देनी है, अब आपने लास्ट लेसन में देख लिया कि कैसे वेरिएशन देते हैं। जब दो डमी इंडिसेस हैं तो आप पहले एक को एक इंडेक्स को वेरिएशन देते हैं, देन हर टर्म में जो दूसरा इंडेक्स है उसको वेरिएशन देते हैं, तो उसके कोरिस्पॉन्डिंग आपके पास सारी टर्म्स आ जाती हैं। तो ये इस टर्म के एक्सप्रेशन के लिए आपके पास ये 9 टर्म्स आ जाएंगी, ठीक है। तो k को अभी हम वेरिएशन नहीं देते, लेकिन यहाँ से हमें वैसे ही पता चल रहा है कि सारी टर्म्स जीरो हो रही हैं, ठीक है। अगर आप देखें तो यहाँ डेल्टा 1 1 नॉन जीरो है, लेकिन ये टर्म जीरो है, तो सेकेंड वन में फर्स्ट वन जीरो है। इसी तरह हर टर्म में यह डेल्टा जीरो है या एप्सिलॉन जीरो है, जहाँ डेल्टा नॉन जीरो है वहाँ एप्सिलॉन जीरो है, जहाँ एप्सिलॉन नॉन जीरो है वहाँ डेल्टा, क्योंकि दिस मॉर्निंग जो टर्म बन रही है वो जीरो है। तो ओवरऑल आपके पास ये सारे एक्सप्रेशन जो इन सारी टर्म्स का सम आपके पास जीरो है, ठीक है। सेकेंड आइडेंटिटी आपके पास एप्सिलॉन आई पी क्यू, एप्सिलॉन जे पी क्यू।